बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन के 3 दिन बीत जाने के बाद भी 28 जनवरी को शपथ लेने वाले मंत्रियों को अभी तक विभाग आवंटित नहीं किए गए। ऐसी स्थिति पहले कभी पैदा नहीं हुई थी। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार और भाजपा नेतृत्व के बीच कुछ ठीक नहीं है। नीतीश कुमार के साथ 8 मंत्रियों, जिनमें 2 उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा शामिल हैं, उन्होंने 28 जनवरी को शपथ ली थी, लेकिन वे अभी भी बिना किसी विभाग के हैं। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के पिछले 18 वर्षों के कार्यकाल में ऐसे हालात कभी पैदा नहीं हुए। सूत्रों का कहना है कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने कैबिनेट सचिवालय की ओर से आवंटित आधिकारिक कार्यों को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें वे कारें दी गई थीं जिनका इस्तेमाल महागठबंधन सरकार के दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया था। 2015 में नीतीश कुमार ने राजद के साथ सरकार बनाई और उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ 20 नवंबर 2015 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसके अलावा 23 मंत्रियों ने भी उसी दिन शपथ ली और कुछ ही घंटों में विभाग आवंटित कर दिए गए थे। जब नीतीश कुमार 2017 में एनडीए में चले गए तो उन्होंने और सुशील मोदी ने 27 जुलाई 2017 को शपथ ली थी और 2 दिनों के बाद ही 27 और मंत्रियों ने भी शपथ ली थी और कुछ ही घंटों के अंदर विभागों का बंटवारा भी हो गया था। 2020 में नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ सरकार बनाई और उन्होंने 16 नवंबर 2020 को 2 डिप्यूटी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी सहित 15 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी और उसी दिन विभागों का फैसला कर दिया गया था। 2022 में जब नीतीश कुमार ने फिर यू टर्न लिया तो उन्होंने तेजस्वी यादव और 31 मंत्रियों के साथ 9 अगस्त 2022 को शपथ ली थी और उसी दिन विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया था। अब सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार भाजपा को वे विभाग देना चाहते हैं जो पहले राजद और कांग्रेस के पास थे, लेकिन भाजपा गृह और सामान्य प्रशासन चाहती है और यही वजह है कि दोनों पक्षों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। फिलहाल वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव।